I would now request Mr. Ashish Shelar, our guest of honor, to please say a few words, and it's my honor to actually introduce him. Mr. Ashish Shelar is the Education Minister, Sports and Youth Welfare of Maharashtra. He's a true Mumbaiite, having educated himself from Parla College and later earned his law degree from Mumbai University. He's one of the young and dynamic leaders who we all absolutely adore. Apart from being a powerful member of Bharatiya Janata Party, he's also the president of Mumbai Cricket Association. May I please request Mr. Shelar to motivate us with his vision, for we look up to young leaders like him to lead us ahead. Welcome, sir. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके सम्माननीय महामहिम गवर्नर श्री विद्यासागर राव जी, मंच पर उपस्थित काउंसलर जनरल ऑफ सऊदी अरेबिया की सामी यहा साहब जी, SNDT के हमारे वाइस चांसलर शशिकला वंजारी जी, जिन्होंने पूरे अंजुमन इस्लाम इंस्टीट्यूट और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में, ग्रुप ऑफ कॉलेज के बारे में अभी हम सबके सामने पूरी बात रखी, ऐसे डॉक्टर जहीर काजी साहब यहाँ पर उपस्थित, हमारे महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर नवाब मलिक जी, MLC हुस्न बानो खलीफे जी, BMC के हमारे साथी रईस शेख जी, सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर वसीम खान यहाँ पर उपस्थित, बहुत सारे मेहमान और उपस्थित भाई और बहनों, सोच के तो मैं भी आया था कि इंग्लिश में बोलूंगा, लेकिन मैंने सोचा अगर बार बार मुझे याद दिलाई जा रही है कि आप बांद्रा के MLA हो, तो मैंने सोचा यहाँ पर बहुत सारे मेरे बांद्रा के दोस्त हैं और इसके लिए हिंदी में ही बोलना ठीक रहेगा। ऐसे भाई काला के हमारे MLA साहब भी यहाँ पर आए, उनका भी स्वागत है। 145 साल को इंस्टीट्यूट के पूरे होते हैं और उसके फाउंडेशन डे का सेरेमनी, ये अपने आप में एक अनोखा है। ये कोई आसान बात नहीं है, सोच के परे है। और उसमें भी जब मैं सोच रहा था कि ऐसी क्या खास बात है जिसको मैं आज यहां पर कहूं, तो पढ़ते पढ़ते मेरे ध्यान में आया कि बहुत सारी खास बात, आधे चीजों को आपने काजी साहब यहां पर कह दिया, लेकिन मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है या स्कूल है, कॉलेज है, जिसकी हिस्ट्री ये भारत के स्वतंत्रता और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास के साथ जुड़ी हुई है और उसी के साथ चल रही है, तो शायद आपके इंस्टीट्यूट में हिस्सा है। ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट हो सकती है कि जो अपने आप में शहर का इतिहास बोलते हैं, मुंबई शहर का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ मुंबई एंड अंजुमन इस्लाम, यू कैन नॉट पार्ट विथ इट, गोज टुगेदर। तो स्वतंत्रता का इतिहास भी बोलती है, स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास भी बताती है और शहर के बारे में भी अपने आप में वो बताती है। ऐसे इंस्टीट्यूट है अंजुमन इस्लाम, अनोखा फोन, जैसे मैंने सोचा बहुत, 145 साल हुआ इसके कारण तो है ही, लेकिन ऐसी इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, आज 97 कैंपसेस या इंस्टीट्यूशंस में 1,00,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाती है, ये अपने आप में इस देश का रिकॉर्ड हो सकता है, इतना है। और ये आसान बात बिल्कुल नहीं है। मैं और सोच रहा था इसके हिस्ट्री के बारे में, तो ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट हो सकती है कि जिसका फाउंडेशन कोई मुंबई हाई कोर्ट के फर्स्ट इंडियन जज ने किया हो। देखिए, छोटी बात नहीं है, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन एक्स जज, पहला भारतीय जज बद्रुद्दीन तैयब जी, इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को शुरू किया। शायद ऐसी और कोई इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकती,
ये भी अपने आप में अनोखा बने। और एक और बड़ी बात है, आपका आपने उसका जिक्र किया लॉर्ड रे का। आज जो कैंपस हम देख रहे हैं सोचा 1874 में, लेकिन 1890 में जगह लॉर्ड रे साहब ने दी, लेकिन आज जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग हम देख रहे हैं वो 90 में हाथ में मिली और जॉर्ज हैरिस साहब ने 3 साल में 1893 में कंप्लीट भी की। अब 3 साल में आजकल के दुनिया में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना यह असंभव है, लेकिन उस जमाने में 3 साल में इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई, अनोखापन इसमें भी है। और थोड़ा गहराई से मैंने देखा तो 1874 से 1890 तक खुद की बिल्डिंग बनाने तक जरा सोचिए, सफर आसान नहीं होगा था। 1890 में तो जगह मिली, लेकिन ये 16 साल उन हमारे पूर्वजों ने कितनी मशक्कत की होगी, कितने चीजों का संघर्ष किया होगा, और क्या दिल में लेकर कि हमको बच्चों को पढ़ाना है। और किसी ने कहा 14 साल का वनवास होता है, लेकिन हो सकता है उस समय पर का संघर्ष हमारे अंजुमन इस्लाम के उन पूर्वजों का, ये वनवास ये 16 साल का संघर्ष है। और इसके लिए किसी ने सही कहा है, बुलंदियां खुद ही तलाश कर लेगी तेरा पता, बुलंदियां खुद ही तलाश कर लेगी तेरा पता, मौका ना छोड़ तू मुश्किलों में मुस्कुराने का। उस तरीके से उस दरमियान हमारे उन पूर्वजनों इस काम की शुरुआत की होगी। और भी एक विशेष बात है, अनोखापन है, इंस्टीट्यूट इस्लामिक रूट्स को नहीं छोड़ती, लेकिन फिर भी इंक्लूसिव और सेक्युलर है। ये इंस्टीट्यूट का अपना अनोखापन है। आपने बातों बातों में सहज बता दिया कि 1936 में लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए अपने इंस्टीट्यूट खोला। कल्पना कर सकते हैं हम कि 1930 में पर्दा में उस प्रकार के दौरान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में हो सकता है, एक प्रकार से हमारी बच्चियों को स्कूल में भेजना कि नहीं भेजना, समाज क्या कहेगा, उस समय पर वो जिद लेना कि मैं तो बच्चियों के लिए स्कूल खोलूंगा, चलाऊंगा और सक्सेसफुली चला के दिखाऊंगा, ये अपने आप में बहुत सराहनीय काम हम सब ने मिलकर किया। अंजुमन इस्लाम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कैंपस बांद्रा में है, बांद्रा में भी है, और उसके कारण बांद्रा में कितने गरीब और सामान्य परिवार के बच्चों को पढ़ाया जाता है वो मैंने देखा है। और इसके लिए मैं आपका उसके लिए भी अभिनंदन करूंगा विशेष रूप से कि ये ऐसा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि मैं सिर्फ स्कूल एजुकेशन का मिनिस्टर नहीं हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हूँ, तो मैं ऑलवेज देखता रहता हूँ कि भाई स्पोर्ट्स में कौन सी स्कूल या कॉलेज अच्छा कर रही है। तो जब भी मैं उसका रिव्यू लेता हूँ तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि अंजुमन इस्लाम का नाम पहले 5 में तो आता ही है। इस प्रकार का स्पोर्ट्स में भी काम आप करते हैं, मुझे लगता है उतना अभिनंदन करूंगा काजी साहब। लेकिन एक बात रहेगी, आपने कहते कहते कह दिया कि हमने पॉलिटेक्निक शुरू किया, इंजीनियरिंग शुरू किया, अभी हेल्थ शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताना भूल गए कि आप लॉ कॉलेज भी आपको परमिशन मिला। अब ये बताने से मेरा भी थोड़ा स्वार्थ है, क्योंकि लॉ कॉलेज के परमिशन के लिए थोड़ा सा मौका मुझे भी मिला धक्का मारने का, तो आप ऐसा मुझे मत भूलिए। तो इसलिए लॉ कॉलेज भी अपना यहाँ पर शुरू हो रहा है, उसकी भी बहुत सराहनीय बात है। एक बात थोड़ी चिंताजनक मुझे लगी, उसको रखकर मैं मेरी बात को खत्म करूंगा। आपने कहा कि उर्दू स्कूल, उर्दू के बारे में जानकारी नहीं थी, तब भी ज्यूइश प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कैथलिक, फिर हेड ऑफ सारस्वत ब्राह्मण, अच्छी बात है, अपने आप में इंक्लूसिव है। लेकिन उर्दू ये जबान और उर्दू ये सब्जेक्ट, ये समाज में अभी भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसके लिए मेरे मन में खेद जब होता है
कि जब मैंने देखा कि स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद हमने पवित्र पोर्टल से टीचर्स रिक्रूटमेंट का बड़ा अच्छा प्रोग्राम चालू किया और टीचर्स रिक्रूटमेंट में जब मैंने अभी हाल ही में गए महीने में रिजल्ट उसके अनाउंस कर दिए तो उस रिजल्ट्स में मुझे दिखाई दिया कि अराउंड 697 उर्दू टीचर्स की पोस्ट वेकेंट रह गई क्योंकि मिलेगी। ये एक चैलेंज अपने सामने है, शायद वो रिजर्वेशन में हो सकते हैं लेकिन अभी भी 115-116 ही टीचर्स उर्दू के हमको मिल पाए और 697 टीचर्स नहीं मिल पाए, इसका मतलब जॉब अवेलेबल है, उसके रिम्यूनरेशन अवेलेबल है, हमको उर्दू जबान सिखाने वाले टीचर्स का निर्माण करने की आवश्यकता और उसको भी चैलेंज काजी साहब आपको लेना पड़ेगा क्योंकि मैं पवित्र पोर्टल के फिगर बता रहा हूँ। तो ये वैकेंट सीटों को भी भरना, मैं ऐसे नहीं कहूंगा सब अंजुमन इस्लाम के भरो क्योंकि मैं राज्य का मंत्री हूँ, गवर्नर साहब शायद ये पसंद नहीं करेंगे मैं कहूँ तो, लेकिन मैं इस बात की खुशी जताऊंगा कि ये 697 में से मैक्सिमम उर्दू के टीचर अंजुमन इस्लाम से निकल के आए तो उसका भी मैं स्वागत करूंगा। आज एक शानदार प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया, इतने शानदार प्रोग्राम में आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।